फिर भी बहन भैया की लड़ाई बंद नहीं होती है, लड़ाई होती रहती है। तो बहन भैया का रिश्ता जो होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। इतना पवित्र होता है कि अगर एक लड़की अपने पति के साथ में चले तो कभी अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस नहीं करेगी जितना कि लड़की अपने भाई के साथ में चलते हुए सुरक्षित महसूस करेगी। क्योंकि भाई जो होता है ना वो एक लड़की की ताकत होता है, याद रखना, भाई लड़की की ताकत होता है। इतना लड़की को अपने पति पर भरोसा नहीं होगा, इतना लड़की को अपने बाप पर भरोसा नहीं होगा, इतना लड़की को किसी दुनिया पर भरोसा नहीं होगा जितना एक लड़की को अपने भाई पर विश्वास होता है। क्योंकि भाई जो होता है वो बहन की ताकत होता है, याद रखना। बहुत पवित्र होता है, बहुत ज्यादा। संसार में इससे ज्यादा पवित्र रिश्ता कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर बहन हो 16 साल की और बहन का भाई अगर 5 साल का हो ना, तो बहन अपने आप को महाराज बहुत सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा लगता है ये मेरा शेर है ना, ये मेरे साथ रहेगा। हाँ, और मेरे भी बहुत शेर है, बहुत शेर है ये सब मेरी ताकत है, सब हमें पता है। क्यों संसार में कहीं भी चली जाओ मेरी कभी हार नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मेरे एक से एक बलधारी मेरे साथ रहते हैं, कोई मेरी हार नहीं हो सकती संसार में। बोली राधा रानी सरकार की, तो कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है। तो कहा जाता है कि बहन भैया में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयां भी बहुत होती हैं। एक समय की आपको बात बताएं कि घर में एक बहन भैया रहते थे, और जब बहन भैया रहते थे तो उनमें बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा। और जब उन्हें बहुत ज्यादा उनमें प्रेम था तो उस भैया ने अपनी बहन की शादी कर दी। और जब शादी कर दी तो करने के बाद में बड़े धूमधाम से शादी की गई उस बहन की। बहन जब ससुराल चली गई, ससुराल से जब लौट करके घर आई तो पहले भैया ने उसका बड़ा स्वागत किया, स्वागत के साथ आसन पर बैठा ला, खूब सम्मान किया, अपनी बहन के हालचाल पूछे। जब बता ससुराल में तो कोई चिंता तो नहीं, तेरी सास बढ़िया, तेरा ससुर बढ़िया। और हाँ एक चीज है, भैया अपनी बहन से लड़ता कितना भी रहे, कितना भी लड़े, दिन रात लड़े, सुबह शाम लड़े, और जब तक प्रेम में लड़ाई नहीं होती है तब तक प्रेम नहीं होता है। तो भैया कितना भी लड़े, लेकिन याद रखना उस समय वो भाई बहुत रोता है जब एक बहन की विदाई होती है, बहुत रोता है भैया। तो ध्यान रखना भैया, बहन भैया की जब उस भाई ने अपनी बहन की शादी कर दी, बहन जब लौट के घर आई तो भैया ने पहले उसका खूब सम्मान किया, आदर किया, आदर के साथ आसन पर बैठा ला, पूछा जी बता ससुराल में सब ठीक है, कोई काउ चीज की कमी तो नहीं? तो बहन बोली ना ना मैं काउ चीज की कमी नहीं, हम बड़े आराम से रहते हैं। जब ये पूछा तो आपस में पहले हालचाल भाई ने लिए, फिर आपस में बातें होते होते दोनों की लड़ाई होने लगी। और जब दोनों की लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद भैया ने अपनी बहन से कही, जब बता तू मुझसे लड़ रही लेकिन तुझे पता नहीं, तू लड़वे की जगह मेरे एहसान मान। बहन बोली काय को? भैया बोलो जाको कि जब मैंने तेरो ब्याह करो तो अपनी कमाई सब तो दे दई दे जी, तू मुझसे लड़ रही है, तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए। बहन बोली और काम तेरे एहसान मानी? तो बहन भैया की जब लड़ाई भई महाराज, तो कैसी भई देखो सुनो।
बड़ी होशियार है। हाँ भैया बोलो अब सुन ले, बहन वाली सुनाए दे। Yeah।